नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राठौर और स्वागत है आप ही के अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है और जिसके तहत हम नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और साथ में STSC स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का वीडियो डाल रहा हूँ। दोस्तों, आज से NTSC के साथ स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन भी आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है राजस्थान के अकॉर्डिंग सेम ही है, क्योंकि दोनों राजस्थान के स्टेज वन में स्टेट का सिलेबस रहता है, स्टेज टू में जो है वो सेंटर का सिलेबस रहता है। लेकिन STSC जो है वो राजस्थान का है, NTSC है जो नेशनल लेवल पर है, उसका स्टेज वन जो है राजस्थान यानी स्टेट वाइज रहेगा और स्टेज टू है उसके अंदर अपन NCERT कर लेंगे। तो ये जो अपना है स्टेज वन के लिए वीडियो है। तो दोस्तों, इसके अंदर NTSC और STSC दोनों की तैयारी जो कर रहे हैं वो दोनों विद्यार्थी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का अपना पॉलिटिकल साइंस का वीडियो नंबर एक रहेगा। इससे पहले मैंने NTSC पर काफ़ी वीडियो डाले हैं जो आपकी STSC में भी सहायता करेंगे। आपको इस वीडियो के आई बटन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो देखने शुरू से लेकर लास्ट तक, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं हर टॉपिक पर तथ्यों के साथ और पूरी डिटेल के साथ बात करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपको यहां पर NTSC और STSC की पूरी सीरीज कराई जाएगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? दोस्तों, इसका उत्तर है सीधा सीधा राष्ट्रपति। अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, यानी नियुक्त प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है, यानी प्रधानमंत्री का न तो चुनाव होता है न उसका मनोनयन होता है। यानी प्रधानमंत्री क्या होती है दोस्तों? नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर दो, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा? दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह एकल मत संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, संसद जो होती है इसके जितने दोनों सदन हैं उसके जो है निर्वाचित सदस्य, कौन से दोस्तों? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानमंडल के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इसके तहत दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं और इस प्रक्रिया के तहत जो है मत मूल्य निकाला जाता है दोस्तों, और उसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों, वो होता है उपराष्ट्रपति और वर्तमान में MVenkaiah Naidu जो हैं हमारे भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। और भारत के प्रधानमंत्री आपको पता है नरेंद्र मोदी हैं और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ये भी आपको ध्यान में रखना होता है कि भी कई क्वेश्चन आपको डाउट ना हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन करता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ये संविधान में सिर्फ एक बार प्रयोग आया, वो भी 44वां संविधान संशोधन 1978 में लिखा गया है कि प्रधान जो राष्ट्रपति है वो बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमति के बिना 352 का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि इमरजेंसी जब लगी थी तो मंत्रिमंडल को पूछा नहीं गया था, इसलिए क्या है इसके अंदर ये प्रावधान है। और आपको बता दूं, मंत्रिमंडल शब्द संविधान में एक ही बार है और मंत्रिमंडल का अर्थ होता है PM प्लस कैबिनेट मंत्री, बस यही मंत्रिमंडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 17वें अवसान में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो अध्यादेश जारी करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों अध्यादेश। और ये अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 प्रदान करता है। और ये बता दूं, ये अध्यादेश जब संसद का सत्र न हो तब लागू करता है और ये 6 माह, ये जो है संसद आने के बाद 6 सप्ताह तक लागू रहता है। अगर संसद इसे चाहे तो वो अपनाए, नहीं तो 6 सप्ताह बाद ये हट जाता है। तो इसकी अधिकतम अवधि जो है वो 7.5 माह होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, किस बात के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त हैं? मौलिक अधिकार के संबंध में, यानी मूल अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट लगा सकते हैं। एक का अधिकार तो है अनुच्छेद 32 में और एक का अधिकार है अनुच्छेद एक का तो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 में और उच्चतम न्यायालय का मैं दोस्तों भूल गया हूँ, मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर है। और इसके अंदर
उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 5 रिट लगा सकता है और उच्च न्यायालय 6 रिट लगा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम कितने समय तक उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुके भारतीय नागरिक को उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करते। तो दोस्तों इसके लिए है 10 वर्ष। 10 वर्ष आप किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकालत कर चुके, आपको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की योग्यता है। एक बार नियुक्त हो जाने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष पद रहेगा? तो दोस्तों वो रहेगा 65 वर्ष की आयु तक, यानी 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रहेगा। सरकार के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं? तो दोस्तों ये है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उस पर अमल करना, उसे लागू करना और उसका राज करना, और न्यायपालिका का काम होता है उस कानून की व्याख्या करना। सरकार किसे कहते हैं? तो दोस्तों राज्य एक भावात्मक अवधारणा, जो एक मूर्त व आदर्श संस्था होती है, इसे मूर्त प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहते हैं। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन? दोस्तों भारत का संवैधानिक नाम मात्र जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। भारत का वास्तविक प्रधान कौन होता है? दोस्तों भारत का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निर्माण किस प्रकार होता है? दोस्तों संसद जो है आप समझेंगे, ये संसद है, तो संसद जो है 3 सदन होते हैं। संसद के 3 सदन नहीं, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और सदन 2 ही होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंग में होते हैं। संविधान में संशोधन के लिए कितनी बहुमत की आवश्यकता? दोस्तों संविधान में संशोधन के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और ये बता दूँ, संविधान जो संशोधन है, एक तो साधारण बहुमत से पारित होगा जिसमें सिर्फ 51% आप मान लो, दूसरे में 2/3 होगा, ठीक है, और एक और प्रक्रिया होती है जिसके अंदर 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन मैंने आपको पूरी डिटेल से वीडियो समझाया है, तो आप उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूले। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।